बहुत बड़ा है। दोस्तों ये हम लोग लगभग जौनपुर सिटी से 120 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं और आप फोन किए थे जी। इन्होंने हमको फोन करके सूचना दिया कि कुएं में कोई बेजुबान गिरा है, जिसको दोस्तों हमारे गांव में लीली गाय बोलते हैं, कहीं कहीं पर घड़रोज बोलते हैं और यहां पर क्या बोलते हैं, लील गाय। तो इसको दोस्तों ये यहां पर झुंड के झुंड रहते हैं और आपस में दोनों युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, क्या माजरा हुआ था, और ये यहीं पर कुएं में गिर गए। दोस्तों आप ये दूर तक देख सकते हैं, दूर दूर तक खेत खलिहान खुला हुआ मैदान है। ये दो तो यहाँ पर वृक्ष थे, ये बेचारे यहीं पर बैठते भी हैं शायद। अच्छा, एक बार भैया अपना नाम पता बता दीजिए, कहाँ से हैं, क्या नाम? नाम अभिषेक कुमार, प्रयागराज जिला, उत्तर प्रदेश। देखिए दो चीज आपको व्यवस्था करना है, एक तो बहुत बड़ा बांस मोटा सा इस पेड़ से इस पेड़ तक, एक बाल्टी पानी मंगवाइए, पतली सी रस्सी मंगवाइए, फटाक से कोई बच्चा चला जाए, एक बाल्टी ले बाबा, छोटे बच्चे दूर रहेंगे। ए लाइक क्या पीछे हो, हट दीजिए ना आराम से, हट जाइए उधर से, भैया पकड़ हो जाए आप लोग, भैया मोबाइल ले उधर से। चलिए यही है भैया, आप थोड़ा थोड़ा जगह खाली रख दीजिए आप लोग, और थोड़ा ढील दीजिए आप तुरंत। हाँ हाँ रुकी भी आराम से। ढीला करी, ढीला ज्यादा मत, बस हमको दीजिए और सीने के पास नहीं, ढीला मत करिएगा, इधर लेके आइए पूरी रस्सी, उठाना नहीं है, सिर्फ ढीला रखना है थोड़ा सा। अब एक लोग इधर आ जाएंगे, उसके पेट पे भी लगाना है सपोर्ट में, क्योंकि एक ही तरफ खींचेंगे तो इसका सीना दबेगा, पूरा लटक जाएगा, ठीक, तो बीच में सपोर्ट रहेगा, पीछे की तरफ से तो एक सहारा रहेगा, तो कलैया मर जाएगा ऊपर से। भैया ध्यान रखिए सीने पे लगे, थोड़ा सा नीचे करना है बस, ज्यादा नीचे न जाए, भैया मुंह की तरफ पानी मारा उसे, ढीला उठाइए, भैया आराम से, थोड़ा शांति रखिए, हम लोगों का पूरा प्रयास है इसको निकालना, रख रही वही रख रही, वही एक काम करिए, नहीं छोड़िए नहीं, जब फंस गया ही है निकलेगा वैसे भी वैसे, आप इसमें ज्यादा गणित पढ़ेंगे तो उससे आपका बैठाएगा नहीं, होगा कहीं भी जाएगा वो घुमा करके सब नंबर एक कहीं ले जाएगा। चलिए भैया इसको लाइए इधर, हाँ भैया आइए आप सब लोग, भैया आइए आप सब लोग, इतने स्पीड से लेके चल रहा है भैया, आपको खींचे हम सब देखते हैं, खोलेंगे तैयार रहिएगा, खोलो जल्दी, खोलो खींचो
पहले उन्हा ढूंढर बागे का गिरा नहीं आ रहा है। दोस्तों काफी कड़ी मेहनत हुई एक छोटे से प्रयास से, ये गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमको सूचना दिया। चार दिन से ये बेचारा इसी कुएं में गिरा था और ये लोग काफी प्रयास भी किए, कड़ी मशक्कत किए, फोन नहीं लग पाया फॉरेस्टर महोदय को और वो यहाँ पर नहीं आ पाए, तो 120 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करते हुए जौनपुर सिटी से सीधा प्रयागराज आ गए। और ये दोस्तों प्रयागराज एक ऐसी पावन भूमि है, शायद इसका नाम तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा गया है। सबसे पहले मैं इस धरा को प्रणाम करूंगा क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया के देश के कोने कोने से पवित्र आत्माओं का यहाँ पर संगम होता है, सभी के चरणों में मेरा अभिनंदन है। चलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे सम्मान मिला उसका तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा। दोस्तों इस प्रकार से मेजबानों को बचाते हुए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से लोगों को जागरूक करते हुए, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा, इसी प्रकार से मेजबानों को बचाने में हमारी मदद कीजिएगा। एक निवेदन ये है कि अगर ऐसे कुएं का जरूरत ना हो, उपयोग ना हो, उसे पूरी तरीके से पैक कर दिया जाए। दोस्तों हमने तो अपना काम पूरा कर दिया और आप अपना काम कीजिए, वीडियो को शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कहीं त्रुटियां हुई हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इन लोगों से भी एक बार मैं जानना चाहता हूं मेरा काम आपको कैसा लगा है। थैंक यू।